चलो पहले ये बताओ कि वॉन्ट पढ़ना स्टार्ट कर, मतलब माइनर आरकाना पढ़ना स्टार्ट करें या पहले स्पेल बता दूं? वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। पहले एक का भी नहीं आया माइनर आरकाना, सारे स्पेल करेंगे पहले। यही हुई थी मुझे। पढ़ाई तो देखो क्लास में एनर्जी लानी पड़ती है ताकि आप लोग टिके रहो। मुझे पता है कि ऐसे एक्साइटमेंट आती है मुझे भी। ठीक है तो चलो पहले स्पेल शॉर्ट में समझा देती हूँ। स्पेल का पर्पस क्या होता है? जैसे हमने देखा कि अभी तक हमने जो भी कार्ड्स पढ़े, हर कार्ड की अपनी एक एनर्जी होती है ना। सन कार्ड देखा जैसे मेजर आरकाना में, उसकी अपनी एनर्जी है। द वर्ल्ड कार्ड देखा, उसकी अपनी एनर्जी है। हाई प्रिस्टेस की अपनी एनर्जी है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को जॉब में नेम फेम चाहिए या अपने करियर में नेम फेम चाहिए, उसको मिल नहीं पा रहा, तो हम वो कैसे क्रिएट करें? जैसे जो 10 नंबर का कार्ड है मेजर आरकाना में, मैं चाहती हूँ कि मुझे एग्जैक्टली मेरी लाइफ में यही चीज हो जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, या फिर कोई मैजिशियन जैसा बनना चाहता है जो 1 नंबर का कार्ड है, तो अगर मैं मैजिशियन बन जाऊं तो मजा आ जाए। तो ऐसे ही 78 कार्ड्स हैं, और हम सबकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं उन्हीं 78 कार्ड्स में से कुछ ना कुछ है। ठीक है, जैसे एक लवर्स कार्ड आता है, अभी आएगा, तो उसमें आपने देखा भी होगा एक लड़की है एक लड़का है, दोनों कप एक्सचेंज कर रहे हैं। लवर्स कार्ड है कप कार्ड में। तो अगर किसी को लव लाइफ अच्छी करनी है या कोई चाहता है मुझे सोलमेट मिल जाए, तो उसको वही एनर्जी चाहिए, समझ रहे हो? तो टैरो स्पेल्स में क्या होता है कि जो भी टैरो कार्ड्स में चीजें हैं उसमें से हम कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो हम एक रिचुअल के थ्रू मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सारे रिचुअल्स होते हैं अलग अलग चीजों के लिए। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मोस्ट डिमांडेड रिचुअल है। हर घर में कोई ना कोई एक दो लोग मिल जाएंगे आपको इस चीज के, हर घर में। तो आप सोच सकते हो कि हर घर में आपका एक एक दो क्लाइंट रेडी है पहले से। अब कौन सी चीज है वो? जॉब और बिजनेस। किसी के भी घर में बात कर लो जाके, जॉब ढूंढ रहे हैं या बिजनेस सही करना चाह रहे हैं, अल्टीमेटली क्लाइंट्स। ठीक है, स्पेल करेगा, उसकी एनर्जी लगेगी, उसका समय लगेगा ना। और मेरी एनर्जी की कीमत मेरे नजरों में तो बहुत ज्यादा है। मैं तो एक मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। अब आप अगर बिगनर हो, आपके पास कोई क्लाइंटेल ही नहीं है, तो मैंने कहा था आप 11,000 में शुरू कर सकते हो उसको। बताएंगे आपकी एनर्जी को, बताएंगे आपके एंथुसियाज्म को, बताएंगे आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है, आपके बिलीव्स को बताएंगे, आपकी सोच कैसी है, आपकी विचारधारणाएं कैसी हैं, आपके ओपिनियंस कैसे हैं, उसके हिसाब से आपके एक्शंस होंगे। तो आपके एक्शंस को बताते हैं वॉन्ट्स के कार्ड्स। फिर कप्स के कार्ड्स क्या करते हैं? कप्स के कार्ड्स का एलिमेंट क्या होता है आपको पता है? ये सबको वाटर एलिमेंट होता है ना? वाटर एलिमेंट होता है, ये सुनो। ठीक है, तो अब इसकी डायरेक्शन वेस्ट होती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप कैसा फील कर रहे हो, आपके ड्रीम्स के बारे में बताएंगे। सपोज करो आप ग्रीनरी देख रहे हो कार्ड में, घास देख रहे हो भाई। तो घास का हमने कलेक्टिव मीनिंग तो यही समझा कि घास का नेचर है नीचे से ऊपर उगना, तो हमेशा ग्रोथ बताएगा, क्योंकि ग्रीन कलर भी हमेशा ग्रोथ बताता है। अब हम आते हैं वॉन्ट्स के कार्ड्स पे। ठीक है, ये हमने पढ़ी लिया। अब आपको पहचान करने के लिए आपको पता ही है वॉन्ट्स माइनर आरकाना की कार्ड में या तो नाम होगा या नंबर होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। ठीक है, तो हम पेंटिकल से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबका फेवरेट है। अभी हमने जो स्पेल करा था उसमें एस ऑफ पेंटिकल्स था ना, एक हाथ में पैसा। अब ये सोच रहा है कि बस ये अपनी दो चीजों को जगलिंग कर रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है इसके दो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं। सपोज करो उसके पास दो तरीके हैं पैसे कमाने के, पर दोनों तरीकों को ये मैनेज नहीं कर पा रहा। या इसके पास इतना लिमिटेड पैसा है, इसको समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ खर्च करूँ कि यहाँ खर्च करूँ। तो ये फाइनेंसिस इसके इम्बैलेंस है, बस ये उसमें जगलिंग कर रहा है, उसको संभालने की कोशिश कर रहा है तराजू की तरह, है ना? ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? और टू नंबर का कार्ड है तो हमारे इमोशंस को भी बताता है, और पीछे पानी भी अनस्टेबल है, तो हम क्या बता सकते हैं कि इमोशनली भी बड़ा इम्बैलेंस है इस वक्त। जिसका भी आएगा आप सीधा सीधा उसको क्या बोलोगे कि अभी आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें आप खुद डिसीजन मत लो। आपको एक पर्सन चाहिए जो आपको आपकी सिचुएशन से गाइड कर सके। तो आप ऐसा पर्सन ढूंढो
जो आपकी जो जिस प्रॉब्लम में आप हो उसमें वो एक्सपर्ट हो। जैसे कोई किसी का कोर्ट केस चल रहा है, उसमें एक कार्ड आ गया, तो आप कोर्ट केस में जिसको नॉलेज है, किसी एडवोकेट को ढूंढो, अच्छे एडवोकेट को ढूंढो, अच्छे काउंसलर को ढूंढो जो लॉ की जानकारी रखता हो, उससे सलाह लो आप।